हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन जिसका बात हम लोग फर्स्ट लेक्चर से ही ऑलमोस्ट करते आ रहे हैं, तो आज हम फाइनली उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे सब्स्टिट्यूशन आपने पहले भी जैसे हमने पढ़ा है कि हम क्या करेंगे कि किसी जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन, लेट से एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है। तो अगर आप इसमें जी एक्स को टी मान लें, देखो प्रोसीजर क्या रहता है, ध्यान से सुनना। जब आप जी एक्स को टी मानते हो तो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि अगर कहीं उन्होंने सिंपली ऐसा फंक्शन देख लिया, मान लीजिए सपोज सिंपली ऐसा देख लिया, तो यहां पर आप इसको एफ ऑफ टी और डी टी ये लिख देते हो, ठीक है। ये एकदम गलत है, ऐसा कभी मत करना। हमें क्या करना है, जब हमें ये गिवन हो तो हम जी एक्स को टी मानेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जी डैश एक्स इंटू एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। तो जी डैश एक्स डी एक्स को हम यहाँ पर डी टी लिखते हैं, ठीक है। तो जो ये चीज है इसको हम लिख देंगे डी टी, और एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की जगह हम लिख देंगे टी, तो एफ ऑफ टी डी टी ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये याद रखना कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो इस पूरे इंटीग्रेशन में एक्स की जगह फिर टी ही दिखना चाहिए आपको, फिर पूरे इंटीग्रेशन में एक्स नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टी दिखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसको लिखा, और कई बार ये भी करते हैं, देखो एक तो ये करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, अगर यही गिवन है तो जी एक्स को तो टी लिख देंगे, फिर यहां पर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे एफ ऑफ टी इंटू जी डैश एक्स को एज इट इज रहने देंगे और डी एक्स की जगह डी टी ये लिखते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हो तो इसका मतलब आप पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो सब्स्टिट्यूशन में जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करके यहां पर कुछ चीज कॉमन जो है उसको देख के डी टी से रिप्लेस करना है, और उसके बाद फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे कि यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहां पर आप ध्यान से समझिए, जब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें पता है कि इसमें मिलता है हमें 2x, इसमें हमें x मिलता है, और मेरे को यहाँ पर x ही तो चाहिए। क्या चाहिए हमें यहाँ पर, x। तो इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर को t मान लें, क्योंकि साइन के अंदर जो लिखा है उसको हमने t मान लिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी, तो 2x dx इक्वल टू dt बन गया। लेकिन हमारे पास यहां पर क्या है, x dx, तो x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt by 2, x dx को हम dt by 2 लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो ये इंटीग्रेशन है तो x इंटू डी एक्स की जगह तो हम लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स dt, साइन x स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन t। 1/2 को आप बाहर ले सकते हो, तो बाहर ले लोगे तो 1/2 टाइम्स क्या बन जाएगा, साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन तो हमने क्या पढ़ा है, माइनस कोस टी प्लस सी, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 1/2 एज इट इज इंटू, देखो फाइनल आंसर, अगर क्वेश्चन में हमें एक्स गिवन है तो फाइनल आंसर भी आपको एक्स की टर्म्स में देना है। तो फाइनल आंसर अक्सर बच्चे ये करते हैं कि टी की टर्म्स में लिख के छोड़ देंगे, जो कि एकदम गलत है। अगर आपका क्वेश्चन एक्स में है तो फाइनल आंसर भी एक्स में ही होना चाहिए। तो टी की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो है ये इसका फाइनल आंसर यहां पर हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइनली लिख सकते हैं। तो यहां पर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से जो है हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। एक इंटीग्रेशन में आपको शो करता हूं, मैं सारे प्रूफ नहीं करूंगा, आप लोग भी कर सकते हैं उनको। जैसे कि मान लीजिए tan x का मैं यहां पर दिखाता हूं, tan x dx। देखिए tan x क्या होता है हमारा, sin x अपॉन cos x होता है, एग्री। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। अब हमें पता है कि cos के डिफरेंशिएशन में sin जरूर आएगा, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम cos x को t मान लेंगे। जब आप cos x को t मानोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, x का dx और t का dt। तो यहां से हमें चाहिए क्या, sin x dx, तो sin x dx बन जाएगा आपका माइनस dt। तो जो ये इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा हमारा साइन एक्स डी एक्स को हम लिख देंगे माइनस डी टी, कोस एक्स को हम लिख देंगे टी, माइनस को बाहर ले लेंगे, ये बचेगा वन अपॉन टी डी टी। और ये हम फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं कि वन अपॉन एक्स का एल एन मोड एक्स होता है, तो वन अपॉन टी का एल एन मोड टी हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो टी की जगह क्या लिखोगे, टी की जगह हम कोस एक्स लिखेंगे, तो ये बन जाएगा एल एन मोड कोस एक्स प्लस सी। और ये चीज मैं आपको शो कर चुका हूं कि इसको हम एल एन मोड सेक एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बोला था कि सब्स्टिट्यूशन का यूज करके आप टेन एक्स का निकाल सकते हो, वैसे आप कोटेक्स का भी निकाल सकते हो। सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करके आप कोटेक्स का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल यही प्रोसीजर रहेगा। यहां पर कोस एक्स को टी माना है, वहां पर साइन एक्स को टी मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको sec x का बता रहा हूं। देखो sec x का जो है, अगर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है sec x का, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें और cos x में, दोनों में, sec x में भी और cos x में भी। यहां पर sec x के इंटीग्रेशन की बात करें तो आपको sec x plus tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहेगा, और थोड़ा सा यही चीज है, पहले आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, और यही चीज है जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा क्लिक करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप sec x का या cosec x का करें तो हम इस तरह से करेंगे। cosec x में क्या करेंगे, cotex plus cosec x या cosec x minus cosec x, इनसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। अगर आप यहां पर देखें, इनसे आप अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो sec x plus tan x से, अब जो ये डिनोमिनेटर में लिखा है sec x plus tan x, इसको t मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, tan x का sec square x, और x का dx, t का इधर dt। इस पूरे में से अगर sec x कॉमन ले लो तो tan x sec x dx। अब देखो ये जो पूरा है ये तो न्यूमिरेटर में लिखा हुआ है कि नहीं, तो न्यूमिरेटर में क्या लिखा है हमारे पास dt, डिनोमिनेटर में क्या है t, तो ये बन जाएगा यहां पर ln mod t plus c, और t की जगह हम क्या पुट कर देंगे sec x plus tan x। तो यहां पर देखिए ln mod sec x plus tan x plus c आ रहा है। दूसरा रिजल्ट, इसी को अगर हम यहां पर अगेन sec x minus tan x से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, किससे करेंगे sec x minus tan x, ये शायद फॉर्मूला में नहीं था तो आप इसको भी नोट कर सकते हो जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूं, दिस प्लस सी, ठीक। अब न्यूमिरेटर में देखो लोग के अंदर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन sec x माइनस tan x। जरा ध्यान से देखिए, ये बनेगा 1 अपॉन sec x माइनस tan x, 1 अपॉन sec x माइनस tan x प्लस c, क्योंकि ऊपर sec square x माइनस tan square होता है हमारा 1, तो ये बन जाएगा ln mod sec x माइनस tan x की पावर माइनस 1 प्लस c, माइनस 1 को बाहर सामने लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस ln mod sec x माइनस tan x प्लस c। तो आपको ये याद कर लेना है कि इस रिजल्ट को हम माइनस ln mod sec x माइनस tan x प्लस c ये भी लिखते हैं, इस रिजल्ट को हम ये भी लिखते हैं। ये यहां पर शायद फॉर्मूला में नहीं था, ये मिसिंग था, तो इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा sec x का फॉर्मूला है वो तीन तरह के फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, एक ये और एक tan की फॉर्म में, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिराइव करके दिखाया था फॉर्मूला वाले लेक्चर में, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बोली थी कि जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो हम x के कोफिशियंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, अब वो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है लेट से f ऑफ ए एक्स प्लस बी का x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये एक तरह का कंसेप्ट है, यहां पर कोई हेडिंग तो नहीं डालेंगे, सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। क्योंकि ये अगर हम मान लीजिए ए एक्स प्लस बी को टी मान लें, डिफरेंशिएट करोगे तो ए का ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, बी का जीरो, और x का dx इक्वल टू dt। तो यहां से dx आप देखिए तो dt अपॉन a बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। तो यहां से ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारा f of t as it is
और dx की जगह dt अपॉन a, 1 अपॉन a को बाहर निकाल लेते हैं और dt as it is. तो आप देखिए फाइनल जो इंटीग्रेशन हमारा रिजल्ट निकल के आएगा उसको हमें यहां पर a से डिवाइड करना पड़ रहा है. अभी एक क्वेश्चन से दिखाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो ये जो कंसेप्ट है ये सब्स्टिट्यूशन से ही हमारा बनता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में हमें x के कोफिशियंट से डिवाइड कर देना है. यहां पर जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं साइन 2x, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है. साइन x का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं. साइन x का अगर हम इंटीग्रेशन बोलें तो माइनस कोस x प्लस सी बनता है. अगर कोई साइन 2x का पूछ रहा है साइन 2x का तो भी हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस कोस 2x, लेकिन x के कोफिशियंट से डिवाइड करना है तो डिवाइड बाय 2. ये तो हुआ डायरेक्ट. अब तरीका क्या है कि हम इस 2x को t मान लेंगे तो 2dx क्या बन जाएगा dt. ठीक है, अब यहां से dx क्या बन जाएगा हमारा 1/2 dt. तो यहां पर साइन 2x की जगह t लिख देंगे तो साइन t, dx की जगह लिखेंगे 1/2 times dt तो 1/2 बाहर dt अंदर. तो साइन t dt क्या बन गया माइनस कोस t का, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस t हो जाएगा और प्लस c t की जगह अगेन हम 2x पुट कर देंगे तो माइनस 1/2 cos 2x प्लस c. तो इस तरीके से जो है हम इस चीज को समझ सकते हैं कि हमें x के कोफिशियंट से डिवाइड करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है. मैंने आपको बोला था कि ये हम डिफरेंशिएशन में भी देख कर आए थे और आज हम इंटीग्रेशन में भी देख रहे हैं. ये चीज मैंने वहां पर आपको बोली थी जब हम डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे कि इन्हीं सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे. जैसा कि अगर मान लीजिए आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है या रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, जरूरी नहीं न्यूमिनेटर में ही हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी आ जाए रूट, तब भी हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं. या तो x इक्वल टू a tan थीटा या x इक्वल टू a cot थीटा. ठीक है, और इसी को यूज करके सब्स्टिट्यूशन को आप इन फॉर्मूलों को जो हमने पढ़े थे इन फॉर्मूलाज को भी डिराइव कर सकते हो. नेक्स्ट अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तब आपको ये सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए कि x इक्वल टू a sin थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा. इसी तरह से अगर हमारे पास x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो जब x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तब हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. और अगर मान लीजिए ये है तब इस केस में हमें 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है. तो ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं डिफरेंशिएशन में कि यहां पर हमें क्यों ये फॉर्मूला यूज करना है, क्या बेनिफिट होगा. तो इनके बेनिफिट्स हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं तो इसीलिए वापस मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं. नेक्स्ट देखिए x माइनस अल्फा बीटा माइनस इन दोनों में डिफरेंस समझना. ऊपर और नीचे x के कोफिशियंट का जो साइन है वो अपोजिट है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. इसमें देखो दोनों में पॉजिटिव है, ठीक है, या तो दोनों में पॉजिटिव होगा या दोनों में नेगेटिव होगा, न्यूमिरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. तब क्या हमें यूज करना है, यहां पर भी आप देख सकते हो x का कोफिशियंट दोनों अपोजिट साइन है. जब अपोजिट साइन हो तो आपको x इक्वल टू अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा यूज करना है. अल्फा बीटा क्या है वो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये अल्फा है और ये बीटा. वैसे ही अगर x के कोफिशियंट का साइन सेम है, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों में, तब आपको क्या करना है, तब आपको x इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा माइनस b cos बीटा cos tan स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन हमें यहां पर यूज कर देना है. अगर मान लीजिए आपके पास दोनों प्रोडक्ट में है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा डिनोमिनेटर में है और इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन हेल्पफुल रहेगा कि या तो आप x माइनस अल्फा को टी स्क्वायर रख दो, या तो इसको टी स्क्वायर रख दो या फिर इसको टी स्क्वायर रख दो, दोनों को नहीं रखना है, केवल एक को, किसी भी एक को रख दो, या तो x माइनस अल्फा को रख दो या x माइनस बीटा को रख दो. तो ये सब्स्टिट्यूशन वहां पर हमारे पास हेल्पफुल हो सकते हैं. अब यहां पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं. जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर x का साइन दोनों में अपोजिट हो तो हमें ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करना है. तो वही हम यहां पर करने वाले हैं, किस तरह से हेल्पफुल होगा ये चीज आपको यहां पर समझ में आ जाएगी. जैसे कि आप देखिए यहां पर हमारे पास है रूट ओवर 1/√(x-a)b-x, इसका हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना है. तो हमने अभी भी क्या पढ़ा कि हमें यहां पर फर्स्ट वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो हम यहां पर यूज करेंगे. तो x इक्वल टू हम क्या रखेंगे, अल्फा की जगह a लिखा हुआ है तो a cos स्क्वायर थीटा, प्लस बीटा की जगह क्या लिखा है b, तो b sin स्क्वायर थीटा.
a cos square theta plus b sin square theta. अब अगर आप इसको यहां पर देखा जाए, अगर हम डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, देखिए dx इधर बन गया, ये बन गया a into cos square theta का डिफरेंशिएशन 2 cos theta into minus sin theta, ये तो a का कोफिशियंट, प्लस b into sin square theta का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, 2 sin theta और sin theta का cos theta, और इस पूरे में यहां पर d theta, ये बन जाएगा. अब आप देखिए 2 sin theta cos theta यहां भी है, 2 sin theta cos theta यहां भी है, यहां पर प्लस b है, यहां पर माइनस a है, तो अंदर तो बचेगा यहां पर b माइनस a, और जो आप बाहर निकाल चुके होंगे वो 2 sin theta cos theta, मतलब sin 2 theta लिख दीजिए, या 2 sin theta cos theta भी चल जाएगा. तो अगर हम 2 sin theta cos theta लिखते हैं तो 2 sin theta cos theta d theta, तो ये आप लिख रहे हो dx की जगह, तो आप देख रहे हो ऊपर dx था तो हमने ये लिख दिया 2 times b minus a sin theta cos theta d theta, ये लिख दिया. ठीक है, denominator में क्या है, स्क्वायर रूट है, मतलब इस पूरे की पावर 1/2 जो हमने यहां पर लिखा हुआ है. अब वो पूरा क्या है, देखिए x की जगह क्या रख रहे हैं, a cos square theta b sin square theta, तो ये रख दिया a cos square theta b sin square theta minus a as it is, और into b minus a cos square theta cos b a cos square theta plus b sin square theta, तो दोनों में minus minus sign आ जाएगा. इसको हम ऐसे देख सकते हैं. अब यहां से समझिए जरा, इसको अगर देखा जाए तो मैंने पहले वाले फैक्टर को मैं सोल्व कर रहा हूं, फिर उसके बाद सेकंड वाले को देखेंगे. तो अगर फर्स्ट फैक्टर को देखा जाए तो उसमें a cos square theta minus a, ये b sin square theta को अभी as it is रखो, इन दोनों में से a cos square theta और minus a में से मैं minus a को कॉमन ले रहा हूं, तो ये minus a into 1, ये बन जाएगा minus a, यहां पर चाहिए cos square theta, तो मतलब minus cos square theta, ये होगा. इसको जरा समझने की कोशिश करो, तो b sin square theta तो as it is रहेगा, और minus a times यहां पर ये sin square theta बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा. अब इस पूरे में से अगर आप sin square theta कॉमन लोगे तो यहां पर b minus a बचेगा अंदर, ये तो एक पोर्शन हुआ. सेकंड पोर्शन जो इसके मल्टीप्लिकेशन में है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो यहां पर अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन में, इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है, देखो a cos square theta minus a cos square theta को as it is छोड़ दो, इसमें से और इसमें से b को कॉमन लो, तो b कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहां पर 1, और यहां पर minus sin square theta, ये बचेगा minus a cos square theta as it is. तो जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लीकेशन में लिखोगे तो b into cos square theta माइनस ए इंटू कोस स्क्वायर थीटा. इस पूरे में से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, बी माइनस ए, ये बचेगा पूरा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, मतलब पावर 1/2. ठीक, अब अगर इसकी हम पावर 1/2 ले रहे हैं तो देखिए बी माइनस ए, बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर आएगा तो केवल एक बी माइनस ए बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाहर आएगा तो साइन थीटा बचेगा क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हो, कोस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो सिर्फ कोस थीटा बचेगा. देखिए साइन थीटा खत्म, कोस थीटा खत्म, बी माइनस ए कैंसिल, क्लियर है यहां तक. बचा क्या, केवल 2 डी थीटा, इसका मतलब यह आ जाएगा 2 थीटा प्लस सी, यह आ जाएगा. अब क्वेश्चन यह है कि इसमें से हम थीटा कैसे निकालें, क्वेश्चन क्या है कि इसमें से हम थीटा कैसे निकालें, तो ये निकालने का क्या तरीका होगा, देखिए इसको यहां पर हमें निकालना है. तो अगर यहां पर देखा जाए तो हमारे पास x इक्वल टू क्या है, a cos square theta plus b sin square theta, x इक्वल टू क्या है, a cos square theta plus b sin square theta. तो अगर इसे हमें देखना है तो हम यहां पर इस तरह का जब भी हमारे पास फॉर्मेट बन जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें या तो साइन बना लो, मतलब साइन साइन रहने दो, और या फिर कोस कोस रहने दो. तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a इंटू कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
तो ये बन जाएगा x इक्वल टू a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। इसे को इधर उठा के लाएंगे तो बनेगा x माइनस a। इन दोनों टर्म्स में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा b, यहां बचेगा माइनस a। तो आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन b माइनस a। मतलब आप यहां से लिख दोगे कि साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस a अपॉन b माइनस a। तो मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ये। तो ये आ जाएगा। अब क्या सर यही आंसर हो सकता है, तो नहीं, आप कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोस की फॉर्म में भी। या तो आप यहीं पर इस साइन को कोस में कन्वर्ट करते, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो टू टाइम्स पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स रूट ओवर एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि साइन इनवर्स इसको ये भी लिखा जा सकता है। अब जो ये यहां पर पाई बचेगा, तो ये देखो ये बचेगा पाई, जो पाई बचेगा उसको तो हम इस कॉन्स्टेंट के साथ ले सकते हैं, क्योंकि पाई तो खुद में एक कॉन्स्टेंट है। तो बचेगा क्या, माइनस टू टाइम्स कोस इनवर्स रूट ओवर एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस सी। तो इस पाई को तो हमने कॉन्स्टेंट, एक नया कॉन्स्टेंट सी डैश बोल दो, तो सी डैश के साथ ले लिया और जो बचा वो ये। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों ही आंसर सही है। बस तरीका आपका अगर सही है, अगर आपकी अप्रोच सही है क्वेश्चन करने की, तो इसका मतलब फिर उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है इसको यूज करना। नेक्स्ट और देखते हैं, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूले को हम किस तरीके से डिराइव करते हैं। जैसे कि हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो आज इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है हमने इस केस में, a tan थीटा। क्या पढ़ा है, a tan थीटा। तो हमने यहां पर x इक्वल टू a tan थीटा पुट कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन dx और ये a tan थीटा का क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx की जगह हमने पुट कर दिया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x की जगह a tan थीटा, तो मतलब रूट ओवर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां से जरा ध्यान से देखिए, ये बन गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर को बाहर लोगे तो रूट ओवर a स्क्वायर इज a, रूट के अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। रूट के अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब रूट के अंदर बच रहा है sec स्क्वायर थीटा, तो रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा इज sec थीटा। a से a कैंसिल, एक sec थीटा से एक sec थीटा कैंसिल, तो बच क्या रहा है हमारे पास, sec थीटा d थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था, ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। sec थीटा का इंटीग्रेशन तो हम अभी अभी देख के भी आए हैं कि ये इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा, लेकिन जो हमें आंसर है वो थीटा की टर्म्स में नहीं देना है, थीटा तो हमने अज्यूम किया है ना, सब्स्टिट्यूट किया है, हमें आंसर किसकी फॉर्म में देना है, x की टर्म्स में। तो अगर यहां से हम देखें तो tan थीटा कितना है, x अपॉन a, tan थीटा को अगर आप देखो तो x अपॉन a है, ठीक है। अगर यहां से हम एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, ये एंगल थीटा हो तो x अपॉन a मतलब परपेंडिकुलर इज x बेसिस a, ये कितना बन जाएगा हमारा, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमें चाहिए sec थीटा और tan थीटा, तो sec थीटा क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब sec थीटा बन जाएगा यहां से रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ln mod sec थीटा की जगह क्या लिख दोगे, sec थीटा की जगह हम वो लिख देंगे, दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। और tan थीटा, tan थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, tan थीटा की जगह हम लिख देंगे x अपॉन a, तो यहां पर लिख देते हैं x अपॉन a प्लस c। अब देखो ध्यान से सुनना, एलसीएम लोगे तो a बनेगा, बचेगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x प्लस c। अगर हम लोग की प्रॉपर्टी लगाएं तो इसको लिखा जा सकता है ये माइनस ln mod a प्लस c, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ होता है दैट
एल एन एम अपॉन एन जो होता है ये होता है एल एन एम माइनस एल एन एन। तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब देखिए एल एन मोड ए भी एक खुद में कॉन्स्टेंट है, एल एन मोड ए कॉन्स्टेंट है और ये सी भी कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों को कंबाइन करके एक नया कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं सी डैश। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ये बन जाएगा एल एन मोड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। तो यही तो हमने पढ़ा था कि इसका इंटीग्रेशन जो है हमारा ये होता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, और भी जो हमारे बाकी के फॉर्मूलाज थे वो सब भी आप लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करके डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, और ऐसे ही आने वाले लेक्चर्स में और भी इंटरेस्टिंग मेथड्स जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन, आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।